बच्चों, आज मैं आपको बड़ी ई की मात्रा सिखाने जा रही हूँ। बड़ी ई यानी स्वर। बड़ी ई की स्वर को हमें वर्ण में जोड़कर एक नए सुर के साथ नया शब्द बनाएंगे। तो चले शुरू करते हैं। स्वर ई। मात्रा कहाँ से आएगी? इस तरफ से। यहाँ बच्चों मैं आपको बताऊंगी, छोटी ई की मात्रा हमने इधर से लिखी थी और बड़ी ई की मात्रा ठीक सामने से आएगी। ठीक है, दोनों एक दूसरे के विपरीत यानी जस्ट अपोजिट। ये छोटी ई की मात्रा और ये बड़ी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा में कम ध्वनि और बड़ी ई की मात्रा में थोड़ी सी ध्वनि का उच्चारण बड़ा हो जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बड़ी ई। बड़ी ई की ध्वनि थोड़ा बड़ा। ईट, ईट, ईख, ईख, ईद, ईद, ईसाई, ईसाई, ईदगाह। अब हम ई की मात्रा का उच्चारण करके वर्ण के साथ मिला के शब्द बनाएंगे और मात्रा को हमें लगाना है इसमें। द मात्रा लगा के, ये किसकी मात्रा है? बड़ी ई की। तो उच्चारण कैसा होगा? बड़ा। द नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दी। हमें यहाँ ये याद रखना होगा, यहाँ पर ई की मात्रा लगी है तो आवाज किसकी होगी, उच्चारण किसका होगा? ई का। तो हमें इस चीज को अपने दिमाग में याद रखना है। दीपक, दीपक, पानी, काली, काली, ग ग री, गगरी, लीची, लीची, दीपक, दीपक। आपको समझ में आया? मात्रा को लगाकर उच्चारण हमें थोड़ा बड़ी की मात्रा में बड़ा करना है। अब हम आपको शब्द विच्छेद बता रहे हैं। ये क्या लिखा है मैम ने? ये मैम ने लिखा है हाथी। अब हम इसको विच्छेद यानी आधा आधा तोड़ेंगे। ह जमा आ की मात्रा क्या बनेगा? हा। थ जमा बड़ी की मात्रा क्या बनेगा? थी। क्या बन गया हमारा शब्द? हाथी। नेक्स्ट, अब हमें छतरी में छ को भी हमें वर्ण विच्छेद करेंगे, त का भी और री का भी। छ, इसके नीचे क्या है? हलन जमा अ। अ स्वर मिलाने के बाद क्या बन गया? छ। ते जमा अ, किसका स्वर बन गया? अ का स्वर मिलने के बाद क्या बना? त। जमा रे। रे में अ का स्वर मिला, क्या बना? र। अब हम इसमें ई की मात्रा मिला देंगे तो क्या बना? री। क्या बना नया शब्द? छतरी। अच्छा बच्चों, आपको बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण करना आया होगा और नए शब्द बनाने आए होंगे। तो मिलते हैं फिर। बाय।